नागपुर के यशोधरा पुलिस स्टेशन के तहत लूटपाट चोरी कर डाका डालने वाले ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जिनसे 10 चोरी की वाहन बरामद किए गए हैं। इन 10 दुपहिया वाहनों में से एक वाहन जला हुआ है जो एक चोर ने ठंडी से बचने के लिए जला दिया जो पुलिस के डर से फरार हो गया था। चोर तो आपने कई देखे होंगे और चोरी की घटनाएं भी आपने कई सुनी होगी, लेकिन केवल ठंडी भगाने के लिए किसी दूसरे की चोरी की हुई लाखों की गाड़ी जला देना, ऐसी घटना आज तक आपने सुनी नहीं होगी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये वही जली हुई गाड़ी है जो करीब 1.25 लाख रुपए की है और चोर ने पुलिस से भागते हुए इसे महज इसलिए जला दिया कि चोर को ठंडी लग रही थी। इस बात का खुलासा खुद चोर के पकड़े जाने पर हुआ। दिनांक 17 तारीख यही 12 महीने में हम लोग शाम को रात को घूम रहे थे तो एक पता चला कि कई लोग हैं जो चोरी करने के लिए दरोड़ा डालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने वहाँ पे रेड करी, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हुए और 4th को दूसरे दिन हमने पकड़ा और उसमें से एक अभी भी फरार है। उन लोगों से हमने उसमें से जो छोटा सरपराज है उससे 10 गाड़ियाँ बरामद की है, 9 गाड़ी साबुत है, 10वीं गाड़ी पूरी जली हुई है। हमने उसका रीज़न उनको पूछा कि इसका क्या हुआ तो उसने बताया कि पुलिस से डरते हुए हम खेत में छुपे थे, बहुत ठंड थी तो मैंने वो जला के सिक्योरिटी किया है। तो पूरी उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, अभी तक उसका नहीं मिला है। तो ये इनकी मानसिकता है। उसमें जो 5वां फरारी आरोपी है सैयद आसिफ सैयद निज़ाम करके, तो उसने उसको जो हमने पकड़ने के लिए बहुत भरकम कोशिश कर रहे हैं तो उसने एक वीडियो हमें भेजा है कि हमारी हालत क्या हुई है, इंसान की हालत क्या हुई है करके एक वीडियो भेजा है कि बहुत भागते हुए खेत में का वीडियो है कि हमारी हालत बहुत बुरी तरह से है। ये सिंपत्ति लेने का प्रयास है। ऐसे ये उम्र के जो लड़के हैं जो 24-25 साल के हैं उनके ऊपर शरीर के विरुद्ध के बहुत सारे 6-6, 7-7 गुने दाखिल है, तो उनके माँ बाप को और ऐसे गुनहगार लोगों के माँ बाप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके भले ही वो सुनते नहीं हो लेकिन पुलिस को आपने खुद आगे आकर ये न्यूज़ देनी चाहिए। अपना अपने लड़के को वो गुनहगारी प्रवृत्ति से हटाने के लिए आप अगर मदद करना चाहते हो, मदद चाहते हो तो पुलिस सदैव तत्पर है और ऐसे समाज विघातक कार्य करने के लिए उनको कोई भी जमानत और कोई भी सपोर्ट ना करे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 5वें आरोपी की तलाश यशोधरा पुलिस विभाग कर रहा है। नागपुर से रोशन बोकड़े, VKB न्यूज के लिए।